हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप वीडियो में एंड स्क्रीन कैसे लगा सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने लोगो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको 3 नंबर पे दिख रहा होगा यूट्यूब स्टूडियो वीटा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके सामने न्यू इंटरफेस खुलेगा। तो आप अभी देख सकते हैं आपके सामने न्यू इंटरफेस खुलने वाला है। तो आप अपनी वीडियो में एंड स्क्रीन लगा सकते हैं। आपने देखा होगा कि कई सारी वीडियो में एंड स्क्रीन 4 स्क्रीन दिखाई देती है। वो कैसी दिखाई देती है वही आज मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। तो आपको क्रिएटिव स्टूडियो वीटा क्लासिक में क्लिक कर देना। उसके बाद में इसको टिक मार कर देना है। उसके बाद में आपको दिख रहा हो सबमिट करे, तो आपको सबमिट करे उस पर क्लिक कर देना है। तो अब ये मेरा नेट स्लो इसलिए ये थोड़ा प्रोसेसिंग लगेगा, उसके बाद में ये हो जाएगा। अगर आपको नेट स्पीड फास्ट है तो आप उससे भी जल्दी कर सकते हैं। तो आपके सामने देख सकते हैं आप यहाँ पे खुलने लगा है। ये मेरा नेट स्पीड थोड़ा स्लो इसलिए धीरे धीरे प्रोसेस कर रहा है। उसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और आपको दिख रहा होगा सभी देखे आप मेरे वीडियो चैनल पे 18 वीडियो चल रही है। तो मैं 18 वीडियो में से कोई भी वीडियो पे मैं एंड स्क्रीन लगा सकता हूँ। तो मैं इस वीडियो में लगाने वाला हूँ, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में आपके सामने न्यू इंटरफेस खुलेगा। तो आप देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस खुलने के बाद में आपको दिख रहा होगा 4th नंबर पे प्रत्येक स्क्रीन देखिए, 1st, 2nd, 3rd और 4th। आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद में आपके सामने देखिए ऐसी स्क्रीन आएगी। तो आप ऐसी स्क्रीन, आप इस स्क्रीन को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे 4th स्क्रीन 3rd स्क्रीन कौन सी लगा सकते हैं देखिए, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। तो आपको टेम्पलेट पर क्लिक करना है। उसके बाद में देखिए मैं आपको स्क्रीन लगा के दिखा देता हूँ। तो मैं यह वाली स्क्रीन लगा के दिखा देता हूँ आपको, और चुने पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में बदले पे क्लिक कर देना है, क्योंकि मैंने इस पर लगा रखी है तो ये बदले का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में मैं ये वीडियो लगाना चाहता हूँ इसमें, तो मैं सेव कर इस पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद आपको दूसरे नंबर पर भी ऐसा ही प्रोसेसिंग करना है। उसके बाद में आपको मैं ये लगाने वाला हूँ दूसरे वीडियो। उसके बाद में आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन लग चुकी है। अगर आप और फिर उसके बाद में आपको सेव करें उस पर क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करते ही आपके सामने ये एंड स्क्रीन लग जाएगी। आपको कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।